देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वहीं अखिलेश यादव आज कोलकाता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। बता दें कि 18 और 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अखिलेश यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। खास बात यह है कि कोलकाता के इस दौरे के दौरान अखिलेश पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए 400 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी तैयार हो चुका है। बता दें कि शाम 5 बजे सीएम ममता बनर्जी से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। अगर आज देश की आर्थिक व्यवस्था पीछे जा रही है तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार है, भारत सरकार जिम्मेदार है। ममता जी से क्या उम्मीद करते हैं आप? मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा आज 5 बजे, और क्योंकि उनसे क्या बात होगी ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन उनसे मैं मिलूंगा जरूर। आपका प्रस्ताव क्या रहेगा उनको? ये हमारी उनकी बात होने दो, लेकिन यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटे। आपकी पार्टी के साथ ममता दीदी का बहुत अच्छा तालमेल है। जया बच्चन जी आई थी 21 के चुनाव में। ये प्रेस के लिए सवाल हो सकता है कि अपोजिशन अलायंस, लेकिन पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। सीबीआई और ईडी जांच चल रहा है, काफी सारे मैं आपसे मिलूंगा और देश की जो हालात है उन पर जरूर चर्चा पार्टी करेगी, और ये तैयारी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है और विपक्ष की आवाज़ न उठे उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आज लोकसभा जहाँ पर बहस इस बात की होनी चाहिए कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और लगातार उनसे माफी की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीसी करके राहुल पर हमला बोला था और कहा था कि विदेशी भूमि पर भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाशा खड़ा कर रही है। मैं एक सांसद हूं, इसलिए पहले सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं, मीडिया से बातचीत होगी। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने ये प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था, नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया, और जो मैंने यहाँ आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया था, आपके शासन को उखाड़ फेंका था, किसी विदेशी ताकत ने नहीं। राहुल गांधी जी, आप विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही है दुनिया। इटली के पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लवेबल पीएम कहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने भारत के विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब सहित तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, देश का अपमान आप कर रहे हैं, यह है राहुल गांधी की समझ। कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया,
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के स्कूल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने रामपुर पब्लिक स्कूल को जिला प्रशासन की तरफ से सील करने पर कोर्ट से नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने सील तोड़कर स्कूल में बच्चों की परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को की जाएगी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल हीना मुजद्दी ने कहा कि हमें आज हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, हम स्कूल पर पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ मिली है और हम अपने एग्ज़ाम्स कल से इंशाल्लाह स्टार्ट कराएंगे। 9 to 3 तक हमें टाइम दिया है कि हम अपना स्कूल 9 to 3 o'clock तक वर्किंग रहेगा। कब तक खोलना है, क्या किस तरह करना है? देखिए अब नेक्स्ट हियरिंग कब होती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने जो हमारे एग्ज़ाम्स रह गए हैं वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। 9 o'clock से 3 o'clock तक का हमारे पास टाइम है। अब कितने बच्चे थे जिनके एग्ज़ाम्स हैं? अराउंड 1100 और बाकी बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो रहे हैं 1480। संभल के चंदौसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, 11 लोगों को बचाया गया है। अभी भी कुछ लोग और मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि अभी तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 8 लोगों की मौत हुई है, अभी भी कुछ लोग लापता है, बचाव अभियान अभी भी लगातार चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी के इस्लाम नगर रोड स्थित एआर कोल्ड स्टोरेज के एक हिस्से की छत भरभराकर गिर गई। अभी तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वहीं 8 लोगों की मौत हुई है, अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, बचाव अभियान भी लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए घायलों के उचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 2-2 lakh की आर्थिक मदद का ऐलान किया है और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष के गेस्ट हाउस में रखी चांदी की मूर्ति चोरी हो गई। मूर्ति के अलावा चोर जियो फाइबर डीवीडी प्लेयर भी साथ ले गए। चोर लॉक तोड़ने के लिए साथ लाए लोहे की रॉड और अपनी कैप घटना स्थल पर छोड़ गए। बता दें कि 5 साल पहले भी अज्ञात चोर गेस्ट हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। सर आपका नाम क्या है, परिचय क्या है? मेरा नाम सचिन शर्मा है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिकंदराबाद। क्या वारदात हुई है आपके घर? ये अपना एक गेस्ट हाउस है और इस गेस्ट हाउस में रात अपना एक ये गेस्ट हाउस है यहाँ पे और इसमें रात चोर आके सब अपना चांदी की मूर्तियाँ वगैरह और डीवीडी प्लेयर वगैरह ये सब जियो फाइबर वगैरह ये सब लेके चले गए। तो लगभग कितने का नुकसान है इसमें? ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आप 30-40 हज़ार से ज़्यादा का नुकसान है। जो मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी नुकसान मतलब हो गया है। बुलंदशहर के गांव लोहारा में प्राशनिक अधिकारियों के दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कर पीड़ित के प्लॉट पर अवैध कब्जा हटवाया। बता दें कि पीड़ित ने डीएम से जमीन पर दबंगों के कब्जे करने की शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम ने राजस्व टीम को भेजकर जेसीबी के माध्यम से अवैध कब्जा हटवाया है। बता दें दबंगों ने अवैध कब्जा किया था, वहीं पीड़ित ने इसको लेकर डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद अवैध कब्जा हटाया गया है। फरीदाबाद के पवन अस्पताल पर एक बार फिर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन करने के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतका के परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली गई है। शिकायत के आधार पर अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। से सूचना मिली थी कि
पवन हॉस्पिटल पर कुछ आदमी इकट्ठे हो गए, हंगामा होने का शंका है, जिस फार्म यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ ललिता बाई पनील गांव झाड़ सितली का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। पथरी के ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र थी सर? उम्र 28 साल। 28 साल। तो अब क्या, किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या वो आए अभी कोई ना कोई शिकायत देंगे, शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर देंगे। अच्छा अनिल, क्या हुआ भाई? ये जी ऑपरेशन गलत किया इन्होंने। कौन सा हॉस्पिटल है? पवन हॉस्पिटल है जी। किस चीज़ का ऑपरेशन करवाया? पित्त की थैली का करवाया जी। किसका करवाया था? ये घरवाली का करवाया जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसमें? क्या उसकी मृत्यु होगी। अच्छा, कब भर्ती करवाई थी? ये कल करवाई थी जी। तो पथरी का ऑपरेशन? हाँ जी, पथरी का ऑपरेशन। कितनी उम्र थी? 28 थी जी। 28। हाँ जी। तो ऑपरेशन गलत हुआ? हाँ जी, ऑपरेशन गलत हुआ है तो स्पष्ट दिख रहा है सबको। तो डॉक्टर की लापरवाही? हाँ जी, डॉक्टर की लापरवाही। और आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर अवकाश हूँ, यहाँ पे इंटेंसिविस्ट हूँ। डॉक्टर साहब, आरोप लग रहे हैं एक महिला का पथरी का इलाज करवाने आई थी और उसकी मौत हुई है, आरोप लग रहे हैं पवन हॉस्पिटल पर भी लग रहे हैं, आप पर भी लग रहे हैं, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि इसको पथरी की परेशानी थी और ये ऑपरेशन के लिए आई थी, 28 साल की फीमेल थी। इसकी ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन के बाद आई है हमारे पास आईसीयू में। प्री ऑपरेटिव तो रिपोर्ट्स वगैरह उसके ठीक थे। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के करीब आधा घंटे बाद उसको एकदम से उसकी सांसें कम हो गई, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, उसकी फेफड़ों में पानी जम गई जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुई। क्या हुआ हॉस्पिटल में पहुँच रहे? हॉस्पिटल में हमने बेहोश पाई हुआ। कौन थी बेहोश को में? ललिता। ललिता कौन लगती है? हमारी बेटी बहू। अच्छा, क्या हुआ था उसको? उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ। कौन सा हॉस्पिटल हुआ? यही में, पवन में। तो फिर जब खूब उनका ठीक है और फिर हम घर का चल गए, हमें बटन नहीं दिया, हमने आईसीयू में बटन नहीं दिया, हम चल गए हम घर का। फिर इतनी देर में बच्चा को फोन गए, मेरी बेटा को लोग कह रहे मैं उल्टी आई और बेहोश होगी जी। अच्छा, बेहोश होगी, हम आए इतना तो आ कतई बेहोशी हुई ना। लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पवन हॉस्पिटल का पूरा मामला है। पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बता दें, हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शांत करवाया। फरीदाबाद के पवन अस्पताल पर एक बार फिर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन करने के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। वहीं हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंची और मृतिका के परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली गई है। शिकायत के आधार पर अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।